हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को जोहार, नमस्कार। मैं अजय कुमार, डायरेक्टर अस्पताल प्रकाशन, आप सबों को वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सत्र आप सबों के लिए काफ़ी उपयोगी और फायदेमंद हो, क्योंकि मैं आज एक ऐसे सब्जेक्ट को पर बोलने जा रहा हूं जो आपके और आपके बच्चे के भविष्य से संबंधित है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो, और आपको पता है कि आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। उसमें भी अगर आपको ऐसा स्कूल मिल जाए जहाँ के ऑलमोस्ट मुफ्त में या थोड़े से नॉमिनल कॉस्ट में आपके बच्चे की शिक्षा इस तरह की हो पाती है जो कि विश्व में कहीं भी किसी भी अच्छे स्कूल से वो कम्पीट कर सके, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। और खासकर वैसा स्कूल जहाँ से निकलने के बाद उसकी जॉब की सर्टेनिटी हो और वह समाज में एक रिस्पेक्टेबल पद पा सके, तब तो फिर कहना ही क्या। तो फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे ही स्कूल के बारे में आज आपको बताऊंगा जो कि आपके बच्चे के लिए काफी उपयोगी है, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि इस स्कूल से निकलने के बाद एक साधारण सा बच्चा फौलाद बन जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह स्कूल है कहाँ, इस स्कूल की क्या विशेषताएं हैं, इसमें कैसे नामांकन हो सकता है। तो चलिए इन सारे बातों पर अब विस्तार से हम चर्चा करते हैं। जिस स्कूल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह स्कूल होते हुए भी उसे एक कॉलेज का दर्जा प्राप्त। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों या कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस स्कूल का नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में अवस्थित है। 140 एकड़ के कैंपस में इस स्कूल की गिनती देश के नामी गिरामी आवासीय विद्यालयों में होती है, और इससे निकले हुए छात्र सेना में, अधिकांश छात्र या यूं कहें कि 80% से भी अधिक छात्र सेना में अधिकारी बन जाते हैं, या तो चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी। यही नहीं, यहाँ से निकले हुए बच्चे अगर डिफेंस नहीं भी ज्वाइन करें तो उनके लिए रास्ते खुले होते हैं जहाँ से वो सिविल सर्विसेज कर सकते हैं UPSC के थ्रू, या अन्य मैनेजमेंट वगैरह करने के बाद से समाज में अपनी सेवाएं देते हैं। अब आप समझिए कि यह एडमिशन कितना कठिन है और कितना महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि जब इंस्टीट्यूट इतना स्टैंडर्ड का है तो इसमें नामांकन प्रक्रिया भी उतनी सरल नहीं होगी। कठिन तो है लेकिन असंभव भी नहीं। इस स्कूल में दो बार 25-25 बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक साल 50 बच्चे इस स्कूल में जाते हैं, और यह नामांकन क्लास 8 में होता है, 8th क्लास से, जहां पर की लड़के 5 सालों तक रहकर अपना पढ़ाई पूरा करते हैं और 12th CBSE बोर्ड के थ्रू क्लियर करते हैं। और 25 लड़कों का चयन एक कठिन प्रक्रिया है, और ऑल इंडिया बेसिस पर बच्चों का चयन किया जाता है। प्रत्येक राज्य से मोटा मोटी एक छात्र को लेते हैं। पहले तो सिर्फ यह लड़कों के लिए ही आरक्षित था, लेकिन अब 5 सीटें इस 20-25 में से 5 सीटें लड़कियों के लिए भी आरक्षित कर दिया गया है, जिसके बाद से अब 20 लड़के और 5 लड़कियां इस विद्यालय में प्रवेश पाए। यह विद्यालय अपने आप में अनूठा इसलिए है कि इसकी स्थापना आज से 100 साल से भी अधिक पहले 13 मार्च 1922 को इंग्लैंड के प्रिंस एडवर्ड 8 के द्वारा किया गया था, और कंसेप्ट यह था कि इसने भारत में एक ऐसा स्कूल स्थापित किया जाए जैसा कि लंदन में रॉयल मिलिट्री कॉलेज स्थापित है, जहां से कि टॉप ऑफिसर्स डिफेंस के तैयार किए जा सके, चाहे वह एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। इस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना उत्तराखंड राज्य के देहरादून में की गई। तब से यह अनगिनत हजारों डिफेंस के ऑफिसर्स तैयार कर चुका है, और यही नहीं, यहाँ से निकले हुए छात्र सेना में जनरल रैंक तक जा चुके हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट हैं KS थिमैया, GG बेरूर, S पद्मनाभन, VM शर्मा। उसी तरह एयर चीफ मार्शल में NC सूरी, VS धनोआ आदि लोग टॉप रैंक तक पहुँच चुके हैं, और कितने लेफ्टिनेंट जनरल, कितने मेजर जनरल यहाँ से हुए, इसकी तो गिनती नहीं की जा सकती। अब इस स्कूल का में जो सुविधाएं हैं वह आप समझ लें। सुविधा के नाम पर इसमें बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं जहाँ की हर तरह के खेल होते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों। स्विमिंग पूल यहाँ एक ओलंपिक साइज है, जहाँ पर कि बहुत तरह के उस राज्य में या स्कूल से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। यहाँ के जितने भी शिक्षक होते हैं वे क्लास 1 गजेटेड कैटेगरी के होते हैं, जिनका चयन UPSC के द्वारा किया जाता है। इसके जो प्रिंसिपल होते हैं कर्नल रैंक के ऑफिसर होते हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो उसी स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र होते हैं। उसके बाद इसमें जितने तरह के भी एक्टिविटी हो सकते हैं, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग या जितने तरह के भी आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल में होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी यहाँ विद्यमान है। और ये यूँ कहा जाए कि 250 बच्चों को देखने के लिए ऑलमोस्ट 500 वहाँ पर कर्मी हैं,
ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस तरह से इस स्कूल को सरकार काफ़ी मदद देती है और कोशिश करती है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे कैटेगरी के लड़के प्रोड्यूस हों, ऑफिसर्स प्रोड्यूस हों, जो कि आगे चलकर देश का नेतृत्व कर सके। मैं इन्फ्लुएंस के बारे में अब मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं। जैसा कि मैंने कहा कि क्लास 8 में एडमिशन होता है, तो एडमिशन के समय के पूर्व जो वैकेंसी निकलती है, जो एडवर्टीजमेंट निकलता है, उस समय छात्र का की उम्र 11.5 से 13 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वह किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 7th पास या 7th में पढ़ रहा हुआ स्टूडेंट होना चाहिए। और यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, 1 जून 2nd को और दूसरा दिसंबर 2nd। तो जो जून में परीक्षाएं आयोजित होती है उसके लिए फरवरी में एडवर्टीजमेंट आता है, और जो परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित होती हैं उसके लिए होती है। और वस्तुतः मुझे आज ही देखने को मिला है इसका एडवर्टीजमेंट, और इसीलिए मुझे इच्छा हुई कि मैं इस पर एक वीडियो तैयार करूं जिससे कि आपको फायदा हो। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप जान लें कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी परीक्षाएं होती। मैथमेटिक्स में 200 नंबर होते हैं, 200 मार्क्स, इंग्लिश में 125 और जीके में 75 मार्क्स। इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इसलिए भी और अधिक हो जाता है क्योंकि इसमें एग्रीगेट मार्क्स पर मेरिट लिस्ट नहीं तैयार किया जाता। तो जून में परीक्षाएं आयोजित होती है उसके लिए फरवरी में एडवर्टीजमेंट आता है, और जो परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित होती हैं उसके लिए होती है। और इसीलिए मुझे इच्छा हुई कि मैं इस पर एक वीडियो तैयार करूं जिससे कि आपको फायदा हो सके। इसके बाद जब रिटर्न परीक्षा हो जाती है और इसके बेसिस पर आपका चयन कर लिया जाता है, तब प्रत्येक राज्य की राजधानी में बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और उसके बाद से इंटरव्यू में आए मार्क्स और रिटर्न में आए मार्क्स दोनों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सीट तो चुकी ऑलमोस्ट एक ही है एक स्टेट से, तो मेरिट का रंग जगह तभी आता है जबकि अधिक से अधिक लड़के इसमें क्वालिफाई करते हैं। इसमें प्रत्येक विषय में मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर आप इससे कम किसी भी सब्जेक्ट में लाते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए तैयारी का क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म आप मंगाते हैं RIMC देहरादून से, उसके लिए जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां से वो फॉर्म के साथ साथ विगत 10-12 परीक्षाओं का प्रश्न पत्र भी वो भेजते हैं। तो यदि बच्चा उन सारे प्रश्न पत्रों का हल कर ले घर में प्रैक्टिस के तौर पर, तो आसानी से वो परीक्षा पास। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे बच्चे तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, फिर मेरिट में आने का तो प्रश्न ही नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि झारखंड से कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर। इसलिए जरूरी है कि सब पर सम्यक बराबर बराबर ध्यान दिया जाए, मैथ्स पर भी, इंग्लिश पर भी और जीके पर भी। जहां तक मैंने क्वेश्चंस का ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने पाया है कि मैथ्स में तो लड़के कर लेते हैं, जीके भी लगभग पासिंग मार्क्स लाए कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होता है वह काफी अधिक होता है, ऊंचा होता है। एक क्लास 6-7 के बच्चे के लेवल से तो मैं ये कहूंगा कि वो हाई होता है। इसलिए इस पर विशेष कर ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि इसमें भी 63 मार्क्स पासिंग मार्क्स आपको लाना जरूरी होता है और इसके बगैर काम नहीं चलना। बुक्स जहां तक इसके लिए उपयोगी हो सकता है वो है मैथ्स में, अगर आप चाहें तो RS शर्मा की क्लास 7 तक की बुक बढ़िया से अच्छे से उसको कवर करवा दीजिए। रेन एंड मार्टिन से इंग्लिश की तैयारी आप करवा सकते हैं। जीके के लिए आप NCERT की क्लास 7 तक की सारी, मैं पर्टिकुलरली विज्ञान और सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस की बुक करा दें तो ऑलमोस्ट ये कवर हो जाता है, और बीच बीच में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो अगर करा दें तो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक कवर हो जाता है। और जीके तो वैसे भी इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, कुछ क्वेश्चंस उसमें टिक मार्क करने वाले होते हैं और कुछ में फिल इन ब्लैंक्स होते हैं, तो ये बच्चा अगर थोड़ा भी सजग है तो आसानी से वो कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे छात्र कैपेबल होते हुए भी जानकारी के अभाव में जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते, इसीलिए जानकारी का होना बहुत आवश्यक है, पहला। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे ये सोचते हैं कि पूरे झारखंड में एक ही बच्चे का तो सिलेक्शन होना है, या पूरे बिहार में या पूरे किसी स्टेट में एक ही बच्चे का होना है तो कितना टफ है, तो मैं क्यों इसके लिए प्रयास करूं। लेकिन एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपके सामने में बैठा हूं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैंने खुद इस एग्जाम के लिए तैयारी करवाई अपने बच्चों से, मेरे 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मुझे उत्कट इच्छा थी कि इस विद्यालय से, इस कॉलेज से मेरा बच्चा
पढ़कर निकली। तो मैंने अपने बड़े बेटे के लिए कोशिश की और फॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई भी कर गया, लेकिन उस समय झारखंड से 4 छात्रों का सिलेक्शन हुआ रिटर्न के लिए, और आफ्टर इंटरव्यू केवल एक ही छात्र को जाना था, मेरा बेटा 3rd नंबर पर था इसलिए वो नहीं जा सका। फिर उसकी उम्र पार हो गई और वह आगे कंटिन्यू करते रहा अपना पढ़ाई, लेकिन 2 साल छोटा उससे उसका छोटा भाई था, मेरा सेकंड बेटा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे भी इसकी भी तैयारी करवाई जाए उसके लिए, और कोशिश की जाए कि अभी उस एग्जाम को क्वालिफाई करके उसमें नामांकन ले सके। पहले वाले का अनुभव इसमें काम आया, और पहले तो वह सोचता था कि क्लास 6 में है, जस्ट पास करके 7 में गया है, इतने लगभग 7th और 8th के लेवल के सिलेबस को कैसे कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से कराना शुरू किया तो उसका भी आत्मविश्वास बढ़ा, और लास्ट तक वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्वालिफाई करने के स्टेज में आ गया। और फॉर्चुनेटली उस साल ये सिंगल बॉय था जो कि झारखंड से क्वालिफाई कर सकता, और कोई छात्र क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो मैं खुश नसीब था, खुश किस्मत था, उसका एडमिशन 2013 में हुआ। वहां से करने के बाद वह NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक 29 लाया, और NDA के बाद से फिर IIM देहरादून, और अभी वो अम्बाला में। और हम लोगों ने उसके पासिंग आउट के दिन जिस दिन वो कमीशन हो रहा था उसके लिए एक हम लोगों ने किताब भी तैयार की, आप देख पा रहे होंगे, बिकमिंग अ वॉरियर, अ स्टोरी ऑफ वेदांत जैन। तो यह बच्चा उसी स्कूल से पढ़कर NDA गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने उसे ट्रेन किया, उन्होंने उसकी शिक्षा दिलाई, वह अनपैरेलल। और जहाँ तक फी की बात है, पहले तो कम फी थे, अब थोड़े अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं जो कि वहन नहीं किया जा सके। इसमें भी फी का भी एक मेजर पार्ट जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बियर करती है, इसलिए अगर उसको भी माइनस कर दिया जाए तो काफी नॉमिनल कॉस्ट में आपके बच्चे का एजुकेशन हो जाता है जो कि काफी हाई लेवल का है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, और इस स्कूल के बारे में आप अपने सजग हों, आपके जितने भी परिचित हों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप करने का डेट पड़ा हुआ है, और इससे आप अपने भी फायदा लें, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को भी इसके बारे में बताएं कि बहुत लोग इस एग्जाम में अपियर होने के बारे में सोचे और इस प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन ले सके। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आज का मेरा यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और आप इससे फायदा लेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करने के का कष्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि उपयोगी वीडियोस के साथ साथ स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तकों के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और उसका आप फायदा उठाते रहे। धन्यवाद, जोहार।